अब जैसे जैसे सीजीआई डीवाई चंद्रचूर के टेन्योर के अंत में हम उनके खिलाफ उंगलियां उठते देख रहे हैं, वही दूसरी ओर सेंट्रल गवर्नमेंट भी एक के बाद एक कंट्रोवर्सी में फंसती दिख रही है। इसमें से एक मसला तो शांत होता ही नहीं दिखता है, जहां आए दिन पीएम मोदी को अटानी ग्रुप का शुभचिंतक कहा जाता है। इस बारे में एक आर्टिकल को हाईलाइट करते हुए सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने एक्स पर ट्वीट करते हुए स्टेट भी किया था कि हाउ मोदी सपोर्टेड अडानीज ग्लोबल एम्बिशंस एट इंडियाज एक्सपेंस। द डिप्लोमेटिक मूव्स ऑफ मोदी हैव हेल्प्ड गौतम अडानी टू एक्सपैंड हिज इंटरनेशनल बिजनेस इंटरेस्ट इन पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी, कोल माइनिंग एंड वेपन्स। अ गवर्नमेंट ऑफ अडानी बाय अडानी फॉर अडानी। ऐसा ही एक सपोर्ट देने का इल्जाम सेंट्रल गवर्नमेंट पर वापस से लगा था जब वे सेबी चेयरपर्सन माधवी पूरी बुच के डिफेंस में दिखे थे। माधवी पूरी बुच वही है जिनके खिलाफ ये इल्जाम लगा था कि जिन्हें अडानी मामले की जांच की जिम्मेदारी मिली थी वे खुद ही इसमें शामिल थी। हालांकि अब सेबी के खिलाफ ही एलिगेशंस लगाते हुए सुचेता दलाल दिखी है, जो कि इंडिया की टॉप जर्नलिस्ट और ऑथर्स में से एक है, और एसबीआई पर ही क्वेश्चंस उठाते हुए उन्होंने क्या कहा है, चलिए देखते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हिंडनबर्ग की लेटेस्ट रिपोर्ट ने माधवी पुच को टारगेट किया था, और जिसको ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी ने भी उन्हें टारगेट किया और उन्हें इन पूरे मसले में सफाई देने को कहा था, और जिसके बाद 24 अक्टूबर को द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हेडेड बाय सीनियर कांग्रेस लीडर केसी वेणुगोपाल ने उन्हें ये एलिगेशंस क्लैरिफाई करने के लिए बुलाया था। हालांकि बुच ने एंड मोमेंट में इस कमेटी हियरिंग के सामने अपीयर होने से मना कर दिया। यहीं पर यूनियन उनके डिफेंस में नजर आई थी और कह रही थी कि उनके खिलाफ लगे सारे इल्जाम पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। हालांकि सुचेता दलाल का एक मेन सवाल यहां पर ये उठ रहा है कि भला सेबी इस मामले में कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही है। ये सवाल इसलिए भी हमारे सामने रखा गया है क्योंकि 30 सितंबर को हुए एक फुल बोर्ड मीटिंग ऑफ सेबी ने इस सवाल को एड्रेस करने से ही इग्नोर कर दिया, और ये भी ट्राई करने की कोशिश नहीं की कि इतने सीरियस कन्फ्लिक्ट और एलिगेशंस के पीछे आखिर मामला क्या है। सबसे इंटरेस्टिंग बात पर रोशनी डालते हुए सुचेता ने कहा भी है कि सेबी ने साल 2008 में एक कोड ऑफ अवॉइडिंग कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कन्फ्लिक्ट कोड को अडॉप्ट किया था, और उसके तहत भी उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई है, और अगर निभाई भी है तो शॉकिंगली इस कोड की कोई लीगल सैंक्टिटी नहीं है। आसान शब्दों में इस कोड की कोई भी लीगल इम्पोर्टेंस या मान्यता नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना। इसलिए भी सुचेता का सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि जब सेबी भी अपना काम ठीक से नहीं करते हुए दिख रही है तो भला सेबी को कौन रेगुलेट करेगा, कौन उनके करतूतों पर नजर रखेगा, और जवाब यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं हो सकती जो खुद इन मैटर्स को डिफेंड करते हुए नजर आ रही है। ये सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यहाँ पर पॉलिटिकली मेड एलिगेशंस क्वेश्चन में नहीं है, बट द इंटीग्रिटी ऑफ इंडियाज रेगुलेटरी फ्रेमवर्क सिंस सेबी ओवरसीज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैपिटल मार्केट्स विद द $5 trillion वैल्यूएशन, और वो भी तब जब किसी और बैंक जिसमें आरबीआई को भी इंक्लूड करे तो उनके पास ऐसा सेपरेट से कोई कन्फ्लिक्ट कोड नहीं मौजूद है। और चलिए एक एक करके देखते हैं कि भला सेबी द्वारा ये अडॉप्टेड कन्फ्लिक्ट कोड कैसे इलीगल है। द इलीगलिटी ऑफ द कन्फ्लिक्ट कोड इज क्रिस्टल क्लियर। द गवर्नमेंट्स पावर टू फ्रेम सर्विस रूल्स इमिनेट फ्रॉम सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 ऑफ द सेबी एक्ट 1992 फर्दर सेक्शन 29 रेड विद सेक्शन 2 सेक्शन एफ। द गवर्नमेंट्स पावर टू फ्रेम सर्विस रूल्स इमिनेट फ्रॉम सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 ऑफ द सेबी एक्ट 1992 फर्दर सेक्शन 29 रेड विद सेक्शन 2 सबसेक्शन एफ रिक्वायर्स दैट दीज रूल्स हैव टू बी पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गजेट एंड सेक्शन 31 फर्दर मैंडेट्स दैट द रूल्स सो फ्रेम्ड शैल बी प्लेस्ड बिफोर द पार्लियामेंट फॉर इट्स अप्रूवल। और ऐसा कोई भी प्रोसेस इस कोड को अडॉप्ट करते वक्त नहीं देखने को मिला था। सिर्फ यही नहीं बल्कि सेक्शन 19 ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर्स रूल्स 1992 अमेंडेड इन 2018 में ये बात कही गई है कि सर्विस मैटर्स विद रिस्पेक्ट टू विच नो एक्सप्रेस provision has been made in these rules shall be referred in each case to the central government for its decision and the decision of the central government thereon shall be final. Halanki iske bawajood bhi the conflict code of 2008 ko kisi bhi government ke paas na refer kiya gaya tha aur na hi approve. Is section mein ye bhi likha gaya hai ki the chairman or whole time members shall be a person who does not and will not have any such financial or other interest as are likely to prejudicially affect his functions as such chairman or member. पर ये भी फॉलो होते हुए नहीं दिखा है, और जिसको ध्यान में रखते हुए ही 29 अक्टूबर को कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा ने एक फ्रेश सेट ऑफ एलिगेशंस अबाउट कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट उठाया है, विद द एसोसिएशन ऑफ मिस बुच एज वेल एज WTM अनंत नारायण जी विद रेगुलेटेड एंटिटीज इज इवन मोर एग्रीजियस। अब आप सोचेंगे भी कि भला 2008 में अडॉप्टेड कोड को अभी तक लीगल सैंक्टिटी क्यों नहीं मिली है। तो ऐसा नहीं है कि इस कोड के अडॉप्शन के बाद इसमें चेंजेस देखने को नहीं मिले हैं,
और इससे जुड़े कुछ अमेंडमेंट साल 2018 में हुए थे। तो क्या उस समय जानबूझकर इस कॉन्फ्लिक्ट कोड की लीगल सैंक्टिटी को इग्नोर किया गया था? यही सवाल सुचेता ने पूछा है, जिन्होंने स्टेट किया कि डिड सेबी एंड द गवर्नमेंट फेल टू एग्जामिन एंड अडॉप्ट द कॉन्फ्लिक्ट कोड इन 2018? वाज इट इवन डिस्कस्ड? दिस इज इम्पोर्टेंट सिंस मिस बुच वाज अपॉइंटेड एज WTM इन 2017 एंड मे हैव कम्प्लाइड विद रिड्यूस्ड रिस्ट्रिक्शंस ऑन फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट। अब हमने देखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस पूरे मामले को रफा दफा करना चाह रही है, ये कहते हुए कि अपोजिशन पार्टी ने इसे पॉलिटिकल मुद्दा बना दिया है। दिस अवॉइडेंस मीन्स दैट द इलीगल कॉन्फ्लिक्ट कोड रिमेन्स इन प्लेस, एक्सपोजिंग द रेगुलेटर टू फर्दर क्रेडिबिलिटी इरोजन। पर सवाल अभी भी सेबी के खिलाफ ही दिख रहा है कि जहां उन्हें एक हाथ में इतनी पावर्स मिली है, वहीं दूसरी ओर उनके कुछ कोड्स को लीगल बैकिंग भी कैसे नहीं मिली है। सुचेता स्टेटेड, सेबीज टॉप ब्रास हैज इमेंस पावर्स टू मेक रूल्स including emergency powers that allow it to ban people from the markets or halt business operations overnight and are themselves subject to rather weaker and opaque conduct rules under a dodgy code. और तो और सेबी की वर्किंग में ट्रांसपेरेंसी की भी कमी है, जो कि सुचेता ने हाईलाइट किया है। इसका एक एग्जांपल है द सीक्रेट एग्जेम्पशन फ्रॉम द रिवर्स बुक बिल्डिंग ग्रांटेड टू ICICI सिक्योरिटीज व्हिच मर्ज्ड विद ICICI बैंक अ फ्यू मंथ्स अगो। कोर्ट में सेबी ने आर्ग्यू करते हुए बताया था कि ये एग्जेम्पशन एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन था और इससे जुड़े कोई हियरिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये ऑर्डर सोच समझकर पास हुआ था। इसके बावजूद भी कि इट इम्पैक्ट्स अ लार्ज स्वाथ ऑफ शेयरहोल्डर्स हु बिलीव दे हैव नॉट गॉट अ फेयर वैल्यूएशन। इंटरेस्टिंगली, मिस माधवी बुच वाज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद दिस कंपनी एंड हैज बीन रेगुलरली इन कैशिंग एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शंस ESOPs granted by ICICI Bank, which is the beneficiary of the exemption. ICICI Securities delisting SEGA. Bombay High Court asked SEBI to disclose exemption letter. SEBI से जब कोई मदद नहीं मिली थी तो shareholders को court का सहारा लेना पड़ा था, which is less familiar with the nuances of capital market regulations. SEBI has aggressively defended the secrecy around this decision. और अपने एक recent affidavit में SEBI ने state भी किया है कि Supreme Court ने in a catena of judgments have emphasized the need for giving a wide latitude of judicial deference to decisions taken by expert regulatory bodies in the realm of finance or economics, and hence the High Court should not use its writ jurisdiction to interfere with SEBI's decision. ऐसे आपको opposition द्वारा लगाए गए माधवी बुच के खिलाफ एक और allegation की बात बताते हैं। Another allegation against बुच was her failure to disclose income received from her previous stint at ICICI Bank. It was claimed that the money she received was not reported properly. आपको बता दें कि माधवी बुच ICICI के साथ 12 साल से जुड़ी हुई थी, including 2 years as CEO of ICICI Securities, और जिसके साथ ये बैंक ने हाईलाइट किया था कि द रिटायरमेंट बेनिफिट्स शी रिसीव्ड वर स्टैंडर्ड फॉर टॉप मैनेजर्स अक्रॉस द इंडस्ट्री। पर क्या इन पूरे मसले में सेबी कोई एक्शन लेती है या नहीं, हमें जल्द पता चलेगा। इस मामले में आपकी क्या राय है, हमारे साथ जरूर शेयर करें। अंटिल देन, कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।